का बहुत बड़ा अवसर हम सभी के लिए। चिता कैंप में एसपीएल सीजन 3 में एक बड़ी शख्सियत जिनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है इस टूर्नामेंट को एक खूबसूरत अंजाम देने में, राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट मिस सना मलिक शेख ये हमारे बीच है। मैं चाहूंगा कि जितने दर्शक एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तहे दिल से मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमेशा से छोटे बच्चों के साथ, यंगस्टर्स के साथ इनका एक बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा है और हमेशा इन्होंने कोशिश की है कि यंगस्टर्स को और छोटे बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट किया जाए। और ऐसे हर कार्य में सबसे आगे अगर कोई रहती है तो वो मिस सना मलिक शेख, और हम चाहेंगे कि आगे भी इसी तरह चिता कैंप के स्पोर्ट्स को, चिता कैंप के बच्चों को ये अपना सहारा दे, अपना हाथ दे, और इनकी देखरेख में इंशाअल्लाह चिता कैंप में हर इवेंट बहुत आगे जाएगा। और तमाम कमिटी की तरफ से, सहायता फाउंडेशन की तरफ से अगेन मैं एक और बार आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अगर आपका साथ ना होता तो शायद ही एसपीएल सीजन 3 को इतना खूबसूरत मोड़, एक इतना खूबसूरत अंत मिलता। और इसी के साथ एक बड़ा मुकाबला वहां पर चल रहा है, बेस्ट ऑफ पहलीपाड़ा वर्सेस बेस्ट ऑफ चिता कैंप। इस बार बल्लेबाजी मार्ग पर बेस्ट ऑफ पहलीपाड़ा बल्ले के बिल्कुल नीचे से ऑन साइड पर खेला है, वहां पीछे खिलाड़ी है, एक रन मिल जाएंगे। कमाल की गेंदबाजी, उतनी बढ़िया तरीके से इसे खेला ऑन साइड पर जुबेर ने। जैद और जुबेर, एक तरफ एक्सपीरियंस और एक तरफ यंगस्टर, देखना है कि ये कॉम्बिनेशन इस पारी को कितने आगे ले जाता है। ये सभी महारथियों का गेम है, सभी महारथियों का खेल है। यहाँ पे ऐसी दो टीमें भिड़ी है आपस में, मान लीजिए जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और उतने ही ज्यादा दर्शक, ज्यादा प्रशंसक हमारे साथ। अगली गेंद, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं, पीछे खिलाड़ी का चेज है, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले, कमाल का थ्रो वहां पर, और दो रन आसानी से मिल जाएंगे। बढ़िया गेंदबाजी, देखिए सोहेल ने स्लॉट पकड़ी है, वो ऑफ साइड पर वाइड और स्टंप के बीच में डाल रहे हैं, वहां पर जानते हैं कि ज्यादातर बैट्समैन नहीं खेल पाते, मुश्किलें पैदा होती है, और वहीं पर गेंदबाजी कर रहे हैं, ब्लॉक और डिलीवरीज डाल रहे हैं। कमाल की गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत है बेस्ट ऑफ चिता कैंप के लिए। दोनों ही टीमों के इतने ज्यादा प्रशंसक और उनके शुभचिंतक हमारे साथ आज इस मैदान में मौजूद है। और पटकी हुई गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले के नीचे से निकल गई गेंद, और जितने फ्लड लाइट्स यहां पे मैदान में लगे हुए हैं उनसे ज्यादा रोशनी इस वक्त मंच पर है, क्योंकि राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट मिस सना मलिक शेख हमारे बीच में है। इनकी शिरकत से इस मंच की रौनक, इस मैदान की रौनक और इस पूरे इलाके की रौनक जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। पटकी हुई गेंद, इस बार शोल्डर पर लगी, वहां पे कोई रन नहीं, और डॉट बॉल डक किया। अब चार गेंदे, तीन रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। जैद और जुबेर, एक तरफ एक्सपीरियंस है, एक तरफ यंग ब्लड, ये कॉम्बिनेशन काफी किलिंग हो तो सकता है, लेकिन अभी तक आइडियल शुरुआत मिली नहीं है बेस्ट ऑफ पहली पाड़ा को। क्या बात है, सीधा खेला है लोगों ने, पीछे खिलाड़ी है, कमाल का कैच, देखना है उन्होंने छुआ यानी टच कर गए जी, बिल्कुल उन्होंने दो चीजें टच की, एक तो दीवार और बाद में अपना सर, लेकिन काफी अच्छा एफर्ट, बेहतरीन एफर्ट, इसे कहते हैं बेस्ट, अपना बेस्ट दिया उन्होंने, लेकिन कमाल का ये शॉट था, बेहतरीन शॉट था। और जैसे ही हमारे मेहमान यानी कि हमारे रफीक भाई ने यहां पर इनामी राशि लगाई कि हैट्रिक सिक्सर या हैट्रिक विकेट पर, यहां पर 2500 रुपए की इनामी राशि, देखिए पहला सिक्सर आया तो कितने लकी है हमारे रफीक भाई। हमारे बीच आए हमारे मेहमान, मैन विद द गोल्डन आर्म, अब देख सकते हैं उनके हाथ, और यहां पर इन्होंने दिखाया कि नॉट ओनली अ मैन विद द गोल्डन आर्म, मैन विद द गोल्डन हार्ट भी है। यहाँ पे एक्सीक्यूशन थोड़ा सा खराब वहां पे जैद का, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान कर। कमाल की गेंदबाजी, देखिए हमने देखा कि इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में
जिस हिसाब से बल्लेबाजी रही है 96 रन तक बने हैं और ऐसी एक श्रृंखला में इस हिसाब की गेंदबाजी करना ये काबिले तारीफ है। पहली ओवर में अच्छी शुरुआत दी, मैच एक छक्का आया और छक्के को ऐड करने के बाद भी पहली ओवर की समाप्ति पर 9 रन बने बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अब थोड़ा सा गियर बदलने की जरूरत है क्योंकि पावर प्ले जो था, फील्ड रेस्ट्रिक्शन जो था, उसका सही हिसाब से फायदा नहीं उठा पाए। बेस्ट ऑफ पहली पारा, मैच एक बाउंड्री आई, अब जुबेर को मिलेगा स्ट्राइक और जुबेर इनके क्लास के लिए जाने जाते हैं, काफी बड़े लेवल के बैट्समैन हैं, इन्हें अपना सारा एक्सपीरियंस जो है वो इस मैच में लगाना होगा क्योंकि ये मैच महज मैदान में नहीं हो रहा है, ये मैदान के बाहर दर्शकों के बीच में इनके प्रशंसकों में चल रहा है और काफी आर्ग्यूमेंट्स चलेंगी, काफी बातचीत चलेगी इस मैच को लेकर क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जहां पे दोनों ही प्रतिनिधित्व जो है ये अपने आप को बेहतर साबित करने की लड़ाई में है। देखना है कि कौन आगे आता है इस मुकाबले के बाद। जी बिल्कुल, एक तरफ देख सकते हैं हम पहली पारा के एक मास्टर क्लास, एक मास्टरपीस, एक क्लास के मास्टर जुबेर है स्ट्राइक पर और गेंदबाजी मार्ग पर आया है गेंदबाज सूर्या। शॉट काफी बढ़िया देखिए, इसीलिए इस बल्लेबाज की क्लास की बात करता हूं। स्टैंड एंड डिलीवर, कोई मेहनत नहीं वहां पर, दिशा दिखाई गेंद को, बेहतरीन फ्लिक और एक कमाल का छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से। ये बिल्कुल इसे कहते हैं इरफान भाई लेजेंड, जिनका कोई नहीं होता एंड। एक ऐसे गेंदबाज, ऐसे गेंदबाज को सिक्सर लगाया कि जो आज के डेट में उमर 11 में गेंदबाजी करता है प्रोफेशनल लेवल में। सूर्या ऐसे गेंदबाज को पड़ा और जड़ा और ये गेंद सूर्या को भारी पड़ा और अभी यहाँ पर जुबेर ने शॉट लगाकर बता दिया बेटा भले हम है लेजेंड लेकिन अभी मैं यहाँ खड़ा। और ऐसी गेंदबाजी देखिए जुबेर के लिए बहुत आसान हो जाता है पिक करना क्योंकि वो ऐसी लाइन लेंथ को पसंद करते हैं, उनका फेवरेट स्लॉट है और अगर आप इनके जोन में गेंदबाजी करेंगे तो उस मौके को जरूर बड़ा बनाएंगे, वही साबित किया था। अगली गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, कीपर के लिए आसान सा कैच, एक बड़ा झटका, जुबेर को जाना पड़ेगा पवेलियन की तरफ। बेहतरीन गेंदबाजी, एक जवाबी हमला, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इससे पहले छक्का लगा पहली गेंद पर और क्या कमाल की वापसी की है सूर्या ने, बाहरी किनारा लगा और कीपर के लिए एक आसान सा कैच, पहला झटका जुबेर। यहाँ पर सूर्या ने बता दिया है भले ही सूर्य निकल चुका है लेकिन यहाँ पर अब ये सूर्या चमका है, किया है पलटवार, बनाना चाहते हैं रविवार यादगार और यहाँ पर लिए एक बेहतरीन विकेट और दिखाया कि अभी भी मेरे गेंद में काफी धार धार गेंदबाजी करता हुआ सूर्या ने किया है पलटवार, एक मास्टर क्लास बल्लेबाज को आउट करके भेजा है डग आउट की तरफ। देखिए बेस्ट ऑफ सीसी के लिए एक खतरा टला नहीं, दूसरा खतरा इस वक्त क्रीज पर वॉक लेते हुए फहद, ये एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में 100 रन भी बनाए हैं, बड़ी बात है। तो एक ऐसा बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक पर है और सूर्या दूसरी तरफ, ये ऐसे लेवल के गेंदबाज है, महज चिता कैम में नहीं, मुंबई में नहीं, ये अब डोमेस्टिक लेवल पर क्रिकेट खेलने लगे हैं। चिता कैम का नाम इन्होंने रोशन किया है, एक कमाल के गेंदबाज है, कमाल के ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। टारगेट किया, गति से बीट किया और बिल्कुल ब्लिंक ऑफ एन आई में निकल गई गेंद स्टंप को उड़ाकर और फहद को भेजा डगआउट में, एक दूसरा झटका। यहाँ पर गेंदबाज ने बताया सूर्या ने, पहला गेंद तो मैं बस टेस्ट कर रहा था कि भाई साहब पुरानी तलवार में धार कितना है, अब ये नई तलवार का वार देखे। ये वो खिलाड़ी है सूर्या जिसने वेस्ट ऑफ बंगाल में जाकर मैन ऑफ द सीरीज iPhone 14 Pro जीता है। देखिए लगातार दो गेंदों पर दो बड़ी विकेटें, पहले जुबेर उसके बाद फहद, ये दो बड़े झटके लगे हैं बेस्ट ऑफ पहली पारा को और इन दो बल्लेबाजों के पास ये जो आया है सोहेल काफी प्रोफेशनल अंदाज में खेलते हैं, इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। अब मेरा ख्याल है कि बेस्ट ऑफ पहली पारा इन पर निर्भर करती है। जी बिल्कुल, यहाँ से अब उन्हें एक अच्छी यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म देना होगा अपने टीम को क्योंकि रनों से थोड़ी सी गूंज रहे और नाउ ही इज ऑन अ हैट्रिक, क्या 2500 रुपए की इनामी राशि जीतेंगे हमारे रफीक भाई, काफी बेसब्री से इंतजार करते हुए हैट्रिक बॉल का। सूर्या की हैट्रिक बॉल जरूर है लेकिन सोहेल का पहला बॉल है तो सोहेल को कहीं ना कहीं यहाँ पे रुकने की जरूरत है क्योंकि विकेट जो है लगातार दो विकेटें गिरी है और सोहेल एक बड़ा बैट्समैन है, यहाँ सोहेल की जरूरत है इस पारी में बेस्ट ऑफ पहली पारा को। हैट्रिक डिलीवरी, स्लोवर वन, यहाँ पे पेस वेरिएशन और कोई मौका नहीं था इस गेंद को पढ़ने का लेकिन हैट्रिक मिस कर गए सूर्या, चतुराई से गेंदबाजी की, जानते थे कि सोहेल इनके पेस को पढ़ पाएंगे,
पहली दो गेंदे काफी ज्यादा गति से डाली थी और बैट्समैन को आउट कराया। यहां पर स्लोअर वन डाला, पेस वेरिएशन ना, लेकिन सोहेल ने गेंद को जाने दिया, हैट्रिक मिस कर गए। और इस बीच बहुत ही तेज तर्रारी बल्ले पर थी ये गेंद, काफी भारी, दिखाया एक अपना रूप जिसे कहते हैं धारधारी। इससे पहले जो खेल हुआ था कबड्डी का, मैं उनके विजेताओं की घोषणा करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो मंच पर आ जाए। और हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल युवती कांग्रेस से, इनके हाथों से उन्हें ट्रॉफीज दी जाएंगी। कबड्डी के चैंपियंस, मैं जिन जिन का नाम लेता हूं वो मंच पर आ जाए। शाहनवाज, कबड्डी चैंपियन शाहनवाज, इनके बाद खालिद, शाहनवाज के पीछे खालिद, जवाद, तालिब, अकबर, लाइन फॉर्म कर लीजिए। मैम का थोड़ा सा वक्त स्नैक्स के पीछे, ये बहुत जरूरी है, इतना ज्यादा मेहनत भी करती हैं ये। अकबर, समद, रौनक, जाकिर और नन अदर देन द मैन हिमसेल्फ अनीस सर। अनीस सर इनके साथ है। ये कबड्डी के जो चैंपियंस हैं, इनको ट्रॉफीज दी जाएंगी मिस अना मलिक शेख के हाथों से। इसे बढ़िया मोमेंट इनके लिए हो नहीं सकता। ये अपने खेल के जो महारथी है, इन्हें पॉलिटिक्स में जो महारथी है, इनके हाथों से ये ट्रॉफीज, ये मेडल्स दिए जाने हैं। और इस सेरेमनी की शुरुआत से पहले मैं चाहूंगा कि मंच पर मौजूद सभी एक बार जोरदार तालियां हो जाए कबड्डी चैंपियंस के लिए। पहले शाहनवाज, कमाल का खेल रहा, कमाल का टशन रहा, इस पूरी टीम का परफॉर्मेंस लाजवाब रहा। क्या मोमेंट है इस खिलाड़ी के लिए शाहनवाज, व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस बाय दिस प्लेयर। लॉट ऑफ एनर्जी एंड अ लॉट ऑफ स्पिरिट बीन शोन। नेक्स्ट कमिंग अप खालिद, आफ्टर हिम जवाद, अ यंग एंड एनर्जेटिक प्लेयर, आफ्टर हिम देयर इज तालिब। A lot of excellence and brilliant performers. Now, after Talib, I would like to call Akbar. Taliya bajti rehni chahiye. Akbar ke baad Samad, Ronak. Taliya bajti rehni chahiye. Ye sare kabaddi ke khiladi hain. Kamal ka khel ka pradarshan dikhaya inhone. Kamal ka tashan dikhaya. Ronak, Zakir. Aur aakhir mein, जिनके नेतृत्व में ये खेल सीखा इन बच्चों ने, अनीस सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल अनीस सर, मैं अनीस सर के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा सर, वन ऑफ द बेस्ट है, टैकल किया इन्होंने, मैंने देखा वहां पे दो तीन टैकल देखा, उनके पकड़ से बच पाना बहुत मुश्किल है। जी 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 जी, बहुत बड़ा ग्रैपल है, बहुत बढ़िया ग्रैप करते हैं अनीस सर। थैंक यू सो मच अनीस सर, आपने कोऑपरेट किया, इतने बढ़िया खिलाड़ी आपकी जानिब से हमें मिले और हम चाहेंगे कि चिता के में जब भी ओलंपिक इवेंट होता है अनीस सर आप इसी तरीके से हिस्सा ले। अब जो किक बॉक्सिंग का खेल खेला गया था, अब किक बॉक्सिंग के चैंपियंस को मैं बुलाना चाहूंगा। ये गोल्ड मेडलिस्ट है, पहले पायदान पर रफत, किक बॉक्सिंग के गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर रफीक और मिस सना मलिक शेख के बीच में कॉन्वर्सेशन होता हुआ, दो अपने अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो चैंपियंस हैं, वो आज छोटे छोटे चैंपियंस के बीच में। रफत फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट फॉर किकबॉक्सिंग, रफत के पीछे मुहाजिब, रफत के बाद मुहाजिब, तो
मैं सिर्फ गोल्ड वालों को बुलाना चाहूंगा, गौस रफत के बाद, गौस नहीं सिल्वर इसके बाद आएगा, ये गोल्ड चल रहा है, रकीब, रकीब और रकीब के बाद परवेश, परवेश के बाद जहीन, ये सारे गोल्ड मेडलिस्ट है माशाल्लाह, और जहीन के बाद फलक, इनके बाद अनवर और असरार, नजरुल, नजरुल और जैद, ये सारे गोल्ड मेडलिस्ट है जैद, इन्होंने किक बॉक्सिंग में, किक बॉक्सिंग का एक जो गेम था उसके सारे गोल्ड मेडलिस्ट और उसके विनर्स, जोरदार तालियां हो जाए जैद। अब मैं रुक करता हूं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, इनके बाद उनकी लाइनअप है इसको, यासिर सिल्वर मेडलिस्ट, यासिर सिल्वर मेडलिस्ट, जारा, जारा हो चुकी है, जोहरेन सिल्वर मेडलिस्ट है, जोहरेन, असरार, कितना खूबसूरत समा बंधा है देखिए, थैंक यू सो मच सहायता फाउंडेशन, बिलाल, बिलाल, नजरुल, नजरुल, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी बच्चों का जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इतनी जाबाजी का प्रदर्शन किया, अपना हुनर दिखाया, इन सभी बच्चों की हौसले की मैं दाद देता हूं, ये हमारे तबके के, हमारे इलाके के सबसे जाबाज बच्चे हैं। हेलो, हेलो, ये जितने भी लोगों को इस वक्त मेडल दिए गए, इन्होंने हिस्सा लिया था किक बॉक्सिंग में, बहुत ज्यादा जज्बे की जरूरत होती है, स्टैमिना की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, जोरदार तालियां हो जाए, और बच्चों में लड़के और लड़की दोनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ये हमारे आने वाले कल के लिए एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव सिग्नल है हमारे फ्यूचर के लिए, ये सभी हमारे इलाके का, इनके हाथ में मुस्तकबिल है और ये आने वाली जनरेशन इंशाअल्लाह आने वाली हर एक अपॉर्चुनिटी को अपने लिए और हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ा बनाएगी। थैंक यू सो मच मिस्टर रफीक फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेरेमनी एंड ऑफ कोर्स मिस सना मलिक शेख, इनको बच्चों से इतना लगाव है, बच्चों से इतना प्यार है, ये जहां पर भी कदम रखती है सबसे पहले अपना रुख बच्चों की तरफ करती है। तालियां बजती रहनी चाहिए ये सारे गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट है किक बॉक्सिंग के, कमाल की प्रतियोगिता रही, थैंक यू सो मच सहायता फाउंडेशन, इट कुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट ऑल योर एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क, so I would like to thank you for making it possible for all these children of our area and there can't be any better moment than 48. Getting recognized by the woman himself, the lady herself, I'm sorry, the lady herself, Ms. Sana Malik Sheikh, Vice President, National Youthi Congress. 48 run ka lakshya rakha hua yahan par pehli paada ne pehle balle bazi karke और फाइनल की दोनों ही टीमों से गुजारिश है, यानी कि टाइगर और डीबी, डीबी ब्रोस, फोर्टी एट रनों का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वसीम भाई, वसीम भाई, तो मैं यहां पर हमारी आयन लेडी की तरफ से बच्चों के लिए कुछ कहना जरूर चाहूंगा कि मैं जरूर चाहूंगा कि हमारी सना मलिक साहिबा की जो जबानी है, जो उनकी दिली, मैंने उनका एक चैनल देखा था जहां पर हमारे पोस्ट कार्ड 88 में,
तो वहां पर उन्होंने कहा था कि किस तरह से करना है, तो उन्होंने एक काफी अच्छे अंदाज में कहा था। भाई साहब एक मिनट, मैडम मैं चाहूंगा कि आपकी जो दिल की जो कहानी है बच्चों के लिए वो जरूर सुने। बच्चे लोग ये कहना, आपने बच्चों लोगों को ये कहना चाह रही है कि अभी जिंदगी में पाने को कई मुकाम बाकी है, अभी इस खेल के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो आपने नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो आप लोगों के लिए पूरा आसमान बाकी है और ये पूरा आसमान जरूर बनाएंगे हमारी सलाम मलिक साहिबा। तो चलिए मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। जब भी मिस सना मलिक शेख बच्चों से इंटरेक्ट करती है उस इंटरेक्शन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही दिलचस्प होता है। और सबसे फेवरेट अगर इनका कोई रहा है तो बच्चे रहे हैं, और उन बच्चों में चिता कैम का सबसे छोटा बच्चा देखिए जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, मिस्टर जलाल संजर। इन्होंने अटायर भी लिया है एक प्रॉपर कोच का और वहां बच्चों के बीच खड़े हुए हैं। चक दे इंडिया 2 के शाहरुख खान नजर आ रहे हैं मिस्टर जलाल संजर, एक कोच का अटायर इन्होंने लिया हुआ है, काफी स्मार्ट नजर आ रहे हैं, बिल्कुल काफी खूबसूरत भी नजर आ रहे हैं। NY की कैप और जैकेट तो माशाल्लाह, गुची की जैकेट है। अब यहां पर आए हैं बल्लेबाजी बाग पर, आमीन और आसिफ। आमीन है स्ट्राइक पर, तो देखना होगा क्या किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। जिस तरह से सलामी बल्लेबाज हमें नजर आते हैं उमर 11 में, रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल, जिनका एक ही है नाम, एक ही है काम, उनकी यही है पहचान, बार बार दिखाते हैं गेंद को आसमान और जाकर डिपॉजिट करते हैं ऐसी जगह जिसे कहते हैं गेंद का कब्रस्तान, और यही है इनकी पहचान, हर जगह छोड़ते हैं अपनी निशान। ही इज वन ऑफ द क्राउड पुलर ऑफ महाराष्ट्र, नॉट ओनली महाराष्ट्र, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया टेनिस क्रिकेट के एक जानी मानी, एक पोस्टर बॉय है जो आधी रात 3 बजे भी लोगों को इकट्ठा कैसा करना ये उन्हें पता है, उसे कहते हैं उस्मान। और अब मैच की तरफ चलते हैं, दूसरी पारी, पहली गेंद उठाकर खेलना जरूर चाहते थे, अंदरूनी किनारा पैरों पर लगी और एक रन से इस पारी की शुरुआत करेंगे आमिर। आमिर और आसिफ ने जिम्मेदारी ली पारी की शुरुआत करने के लिए बेस्ट ऑफ चिता कैम से, और बेस्ट ऑफ पहली पारा की तरफ से अमान ने गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है। अब ये मैच जो है ये बेस्ट ऑफ सीसी के पास जितना कैलिबर है, जितना दमखम है, ये टारगेट काफी छोटा है, लेकिन उतने ही बढ़िया गेंदबाज भी जो है वो बेस्ट ऑफ पहली पारा के पास मौजूद है। अमान ने गेंदबाजी की शुरुआत की, पहली गेंद बढ़िया लाइन लेंथ पे की है, देखना है कि किस तरीके से ये ओवर प्रोग्रेस करता है। दूसरी गेंद पटकी हुई, गेंद बल्ले पर ठीक तरीके से ले नहीं पाए बल्लेबाज, बढ़िया फील्डिंग वहां पे शॉर्ट लॉन्ग ऑन में, गोलू सोहेल और डॉट बॉल, बढ़िया गेंदबाजी है मेरा ख्याल है। देखिए क्योंकि शाम का वक्त हो चला है, पिच पर ड्यू है, हल्की सी नमी पड़ने लगी है और उस वजह से बल्लेबाजी में थोड़ी सी तकलीफ मुश्किलें पैदा हो सकती है। इस बार पीछे खेला है कवर्स पर, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं, चौका मिल जाएगा और इस पारी का पहला चौका आसिफ के बल्ले से। ये होती है एक जहनी बल्लेबाजी, इंटेलेक्चुअल बल्लेबाजी, उन्होंने देखा कि पीछे कवर्स पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है और गेंद भी बिल्कुल ऐसे एरिया में मिली थी जहां पर एक इजी ड्राइव जो है इन्हें चौका दे सकता था। पूरे टाइम के साथ खेला और पीछे आकर खेला इस शॉट को और एक खूबसूरत चौका अपनी पारी के लिए, अपनी टीम के लिए, पहला चौका आसिफ के बल्ले से। पटकी हुई गेंद टप्पा खाने के बाद हल्का नीचे आई, उसे ऑफसाइड पर खेला, पीछे इस बार कवर्स पे खिलाड़ी तैनात किया है बेस्ट ऑफ पहली पारा ने और एक रन मिल जाएगा वहां पे। चार गेंदे 6 रन,
48 रनों का लक्ष्य है। अगर आप थोड़ा सा संतुलन जारी रखते हैं और बैट्समैन पर कंट्रोल बनाते हैं, पकड़ बनाते हैं, तो 48 रन जो है ये भी डिफेंड किए जा सकते हैं। पटकी हुई गेंद, इसे फाइन लेग पर खेलना चाहते थे, टाइमिंग से बीट हुए बल्लेबाज। ओवर से आखिरी गेंद आना बाकी, बढ़िया गेंदबाजी वहां पर, गति परिवर्तन था, छोटी गेंद शॉर्ट लेंथ पर टप्पा खाने के बाद गेंद की गति जो है थोड़ी सी धीमी हुई और वहीं पर बैट्समैन कंफ्यूज हुए, ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाए गेंद को। इस बार स्लोअर डिलीवरी, एक और एक्सपेरिमेंट वहां पे, क्या एक्सपेरिमेंट सही था, क्या बाहर जाएगी डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। पहली ओवर 6 रन, कमाल की गेंदबाजी, एक आइडियल शुरुआत की जरूरत थी और वो शुरुआत दी है अपनी टीम को अमान ने। पहली ओवर 6 रन, अब 18 गेंदों में 42 रन बनाने हैं। दोनों ही खेमे में बहुत ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि एक बड़ा गेम है, यहाँ पे साबित करना है कि आप बेहतर है या हम बेहतर। इस लड़ाई में देखना है कि जीत कौन ले जाता है। पहले बल्लेबाजी कर बेस्ट ऑफ पहली पारा ने 47 रन बनाए, 47 रन, 48 रनों का लक्ष्य दिया है, जिसका पीछा करते हुए पहली ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन, कमाल की गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत दी है अपनी टीम को अमान ने। अब अगली ओवर लेकर अजिंक्या, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे अजिंक्या, एफ सेक्टर मस्जिद एंड से। देखना है कि कितने असरदार अजिंक्य साबित होते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक पड़ाव है, एग्जीबिशन मैच है, एक ऐसी लड़ाई है जहां पर ये साबित होगा कि दोनों ही इलाकों में, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, बेहतर खिलाड़ी किन के पास है। पहले बल्लेबाजी करके 47 रन, यहां बेस्ट ऑफ चिता कैम को 48 रन बनाने हैं और जितना टैलेंट इनके पास मौजूद है, जितने बढ़िया बल्लेबाज इनके पास मौजूद है, 48 रन का लक्ष्य तो काफी छोटा नजर आता है उनके स्टैंडर्ड के आगे। पहली ओवर की समाप्ति पर 6 रन, इस बार अजिंक्य ने जिम्मेदारी ली अगली ओवर की। एक बड़ा मैच है, बड़ी श्रृंखला में एसपीएल सीजन 3। पटकी में गेंद, टप्पा खाने के बाद हल्की नीचे, वहां पर एफर्ट काफी बढ़िया, क्या बात है। देखिए जितने रन आप ऐसे मौके पर बनाते हैं उतना आपकी टीम के लिए बढ़िया। थ्रो जो है वो गलत एंड पर आ गया, नॉन स्ट्राइकर एंड पर अगर जाता थ्रो तो शायद रनआउट का मौका भी बन सकता था। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, थोड़ा सा वहां पर फंबल हुए थे बैट्समैन, लेकिन 2 रन फिर भी कंप्लीट किया। एक बॉल 8 रन। हेलो इमरान भाई, मार्क पर इमरान भाई जहां कहीं भी हो प्लीज मंच की तरफ आए। इमरान अली, सीसी वॉरियर के इमरान आपको मंच पर बुलाया जा रहा है। सीसी वॉरियर, आपका भी एक वाइटल कंट्रीब्यूशन रहा है इस टूर्नामेंट को एक खूबसूरत अंजाम देने के पीछे। पटकी हुई गेंद ऑफ साइड पर, क्या कमाल का शॉट है, कवर्स के ऊपर से स्टैंड एंड डिलीवर, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, बल्ले को घुमाया, कलाई का इस्तेमाल किया और दूसरी गेंद पर अजिंक्या को दिखाया बाउंड्री का रास्ता। ये कहीं ना कहीं प्रेशर को रिलीज करेगा इनकी टीम से। छोटी गेंद दी थी, टाइमिंग ज्यादा दिया था, पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज आसिफ ने। अभी हाल ही में इन्होंने काफी ज्यादा बल्लेबाजी में महारत हासिल की है। इन पे देखिए बेस्ट ऑफ चिता कैम में खिलाड़ी खेल रहा है और ऐसे एक बल्लेबाज पर भरोसा करना ओपन करने के लिए, तो ये दर्शाता है कि किस दर्जे का बल्लेबाज है ये। अब इस ओवर की तीसरी गेंद अजिंक्य, इस छक्के के साथ स्कोर ने अचानक से एक बड़ी छलांग लगाई है और 8 रन से उछल कर सीधे 14 रन पर स्कोर बोर्ड जाता है बिना किसी विकेट के नुकसान के। लो फुलटॉस शॉट काफी बढ़िया है, ये गेंद दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये मैदान में नहीं होगी, ये जाएगी स्क्वायर लेग के ऊपर से चर्च में जाके लैंड करेगी। लो फुलटॉस को एक छक्के में तब्दील किया। बिल्कुल, हम देख सकते हैं उस्मान पटेल की जरा जो दृश्य है। जितने दर्शक हैं, क्रिकेटर्स हैं और जितने मेहमान हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैदान के अंदर कोई गाड़ी ना लाए क्योंकि इसके बाद फाइनल होने वाला है। और क्या बात है, एक और शानदार छक्का, बैक टू बैक सिक्सेस
और ये बहुत बड़ा नुकसान बेस्ट ऑफ पहली पारा के लिए। ये ओवर बहुत महंगा साबित हुआ। यहां पर मान लीजिए पूरा का पूरा प्रेशर आसिफ ने सीसी से उठाकर पीपी में रख दिया है और ये कमाल की बल्लेबाजी है। देखिए लगा ही नहीं कहीं भी इन्हें कि एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा जूझना पड़ रहा है, बहुत ही आसानी से और अजिंक्य जैसे गेंदबाज को पूरा एक्सपीरियंस इनका उठाकर इन्होंने बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। कमाल की बल्लेबाजी। और मैं चाहता हूं कि मेरी अपनी पार्टी, मेरे अपने घर के लोग जो यहां पर है, एनसीपी के जितने भी सपोर्टर्स और मेंबर्स जो है वो मंच पर आ जाए, एनसीपी के जितने मेंबर्स हैं वो मंच पर आ जाए। हैट्रिक सिक्सर लग चुकी है। पटकी हुई गेंद दोबारा से ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन कमर पर लगी गेंद, रनआउट का मौका, पीछे खिलाड़ी कवर्स पर और एक रन कंप्लीट होगा। पांच गेंदे 27 रन, अजिंक्य की ओवर से एक और गेंद आना बाकी है और आमिन स्ट्राइक पर आखिरी गेंद अजिंक्य की फेस करेंगे। एक बढ़िया प्लेटफॉर्म खड़ा किया है आसिफ ने। तेरह गेंदे 21 रन, पैरों पर लगी, वहां पर कोई अपील नहीं। और एक और बार मैं ये अनाउंसमेंट कर दूं, एनसीपी के जितने भी मेंबर्स इस वक्त मैदान में हैं वो मंच पर आ जाएं। ओवर की समाप्ति 27 रन, अब 12 गेंदों में 21 रन बनाने हैं। देखिए काफी बढ़िया शुरुआत दी थी अमान ने अपनी टीम को, महज 6 रन थे। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं नुकसान जरूर देगा ये ओवर बेस्ट ऑफ पहली पारा को, क्योंकि 21 रन आए इस ओवर में, 27 रन दो ओवर के बाद। अब 12 गेंदे आनी है, 21 रन और बनाने हैं। 12 गेंदे 21 रन बनाने हैं, 12 गेंदे 21 रन, तो देखना होगा यहां पर। अब सीसी के बेस्ट तो अपना बेस्ट दे रहे हैं लेकिन यहां पर देखना होगा कि पहली पारा के पहले गेंदबाज अमान ने काफी अच्छा अपना बेस्ट दिखाया था पहली पारा की तरफ से। अब देखना होगा कौन सा ऐसा ऐसा गेंदबाज आएगा जो अपना दिखाएगा बेस्ट और बल्लेबाज को कहेगा भाई साहब रखो थोड़ा सा करो रेस्ट। तो आए हैं नए गेंदबाज, बॉलर नेम आरिफ जी, बिल्कुल आसिफ और आरिफ मिलता जुलता है। तो आसिफ ने काफी अच्छा काम किया तो यकीनन ऐसा लग रहा है कि आरिफ भी अच्छा ही काम करेंगे और यहां पर करना पड़ेगा। इसके बाद फाइनल मैच होना होने वाला है। दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा जितने इस वक्त मैदान में हैं, जितने लाइव देख रहे हैं वाई स्पोर्ट्स के ऊपर, अपनी जगह को ना छोड़ें। एसपीएल सीजन 3 अपने अंजाम को पहुंचेगा। पीछे फाइन लेग पर आसिफ बहुत ज्यादा जल्दी में है, मेरा ख्याल है भूख लगी है, इनके डिनर का वक्त है, इन्हें जाना है, इनके पास वक्त नहीं है। और इस छक्के के साथ 33 रन्स, आप 15 रन बनाने हैं 11 गेंदों में। देखिए सोहेल में हमें वो निराशा दिखाई दे रही है क्योंकि अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया था पहली ओवर में अमान ने। हेलो 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 भाई लोग, इमरान और मोया, छोटा मोया और इमरान, जहां कहीं भी और शेर के करीब आए, इमरान और मोया। ये देखिए ये आपकी लापरवाही है, एक दिशा में अच्छा बॉल के लिए खड़े, ठीक है ठीक है, 5 मिनट्स में आ जाओ, 5 मिनट्स में आ जाओ। आपने दोबारा से वहीं पर गेंद डाली और इस बार धीमी गति से, तो ये आपने जो है बैट्समैन को परोसा है। और आसिफ जैसा बैट्समैन जो पूरे फॉर्म में है, अब तक के 5 छक्के लगा चुका है, वो ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देगा। ये बहुत ही आसान बना दिया आपने खुद ने आसिफ के लिए, ये जो आपने स्लोअर वन डाला था और ऐसी लेंथ पे डाला था जहां से पिक करना बहुत आसान। पटकी हुई गेंद, यहां पे मौका है खिलाड़ी के पास और ये खिलाड़ी नहीं जाने देगा ऐसे कैच, बहुत ही आसान बनाया। और आसिफ एक बढ़िया पारी खेलकर लगभग आधे से ज्यादा इन्होंने आसान कर दिया बेस्ट ऑफ चिता गेम के लिए मैच पवेलियन लौटते हुए। और वहां पे देखिए सभी उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही जाबाज बल्लेबाजी की आसिफ ने, अपने ऊपर संभाले रखा पूरी पारी को और
उन्हें आकर सेल्फी भी देखिए कौन ले रहा है, चिता गेम के क्रिकेट का एक लेजेंड गनी, जिन्होंने उनके साथ सेल्फी ली क्योंकि ये मैच बना दिया है बेस्ट ऑफ चिता गेम के लिए आसिफ ने। अब अगले बल्लेबाज अजहर शरीफ, क्रिकेट की बात होती है और ये खिलाड़ी मौजूद ना हो ऐसा नामुमकिन है। फाइनल्स के बाद जब फाइनल्स खत्म हो जाएगा, ट्रॉफीज सारी दे दी जाएंगी, उसके बाद एक बड़ा मैच खेला जाएगा बेस्ट ऑफ सोसाइटी वर्सेस रेस्ट ऑफ चिता गेम, एक बड़ा मैच खेला जाएगा। ये देखिए उछली हुई गेंद, छोटी गेंद थी, इसे सीधा खेला ऑफ द मार्क हुए सिंगल के साथ अजहर शरीफ। चालीस रन, महज आठ रनों की दरकार है, अब भी बेस्ट ऑफ पहली पारी मैच बना सकती है क्योंकि हमने इसी श्रृंखला में इसी टूर्नामेंट में देखा है कि 12-12 रनों को डिफेंड किया है लास्ट दो ओवर में। स्लोअर डिलीवरी शॉट काफी बढ़िया, यहां पर डिफेंड करने का कोई मौका नहीं देना चाहते हैं और एक शानदार छक्का लगाया का कॉर्नर जोन पर आमिर ने। एम्पायर के हाथों को इस पारी में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है क्योंकि जितने छक्के आसिफ ने लगाए और अब आमिर, और देखिए वहां पे फैन मोमेंट, खुद हमारे ऑर्गेनाइजर जाकर उनके साथ सेल्फी लेते हुए। ये मैच जो है शुरुआती से बहुत आसान लगा बेस्ट ऑफ सीसी के लिए। उनकी गेंदबाजी की बात करें, अब बल्लेबाजी की बात करें, अब मैच फॉर्मेलिटी बाकी है, दो रनों की दरकार है, ये मैच बन चुका है बेस्ट ऑफ सीसी का। क्या इसे बाउंड्री के साथ खत्म करेंगे? ऑन साइड पर पीछे खिलाड़ी लश्कर टाइगर के खिलाड़ी टॉच पे आओ। हेलो 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 लश्कर टाइगर, हेलो लश्कर टाइगर के कप्तान स्टेज पर आइए। आ गया आखिरी छह गेंदे दो रन, ये मैच इतना आसान हो चुका है बेस्ट ऑफ सीसी के लिए। आप कहीं पे भी खिलाड़ी तैनात कर दें, जितना करीब जितना दूर, अजहर शरीफ एक ऐसा बल्लेबाज है, महज एक गेंद का खेल है ऐसे खिलाड़ी के लिए। आगे आकर खेलना चाहते थे शॉट, वहां पे अपील है स्टंपिंग की, अयूब ने कोई इशारा नहीं किया वहां पे, तो बच गए, पीछे आ चुके थे अजहर शरीफ। और आप कितनी भी करीब खिलाड़ी तैनात कर दे, मैं आपको ये बता रहा था जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, जैसा इनका रुतबा है, ये मैदान के बाहर ही मारेंगे गेंद को, तो क्लोज फील्ड खड़ा कर शायद ही कोई काम बनेगा आपका बेस्ट ऑफ पहली पारा। ये देखिए गई गेंद मैदान के बाहर, ये मैच बेस्ट ऑफ सीसी जीतती है चार गेंदे शेष रखकर, और वहां पे हेल्ड्रिंग दिया जा रहा है उनको एक छक्के के लिए। उनकी एनर्जी बढ़ाई जा रही है, उनके सबसे बड़े सपोर्टर एसएससी से समीर, क्या मुकाबला रहा है, चिता कैंप के स्पोर्ट्स सेंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के चेहरे पर मुस्कान देखिए, क्योंकि होना तो दो तरफ था लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट चिता कैंप को जाता है। फैन मोमेंट, सेल्फी मोमेंट, क्या कमाल का मुकाबला, और बेस्ट ऑफ सीसी ने काफी आसानी से मुकाबला जीता और दोनों टीम बेस्ट ऑफ पहली पारा बेस्ट ऑफ सीसी लाइनअप हो जाए। दोबारा से बेस्ट ऑफ पहली पारा बेस्ट ऑफ चिता गेम लाइनअप हो जाइए प्लीज, एक लाइन में आ जाइए बेस्ट ऑफ पहली पारा बेस्ट ऑफ चिता गेम। फाइनल क्या है?